बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, चाह रहे हैं आबाद रहें, खुश रहें और हमेशा से मुस्कुराते रहें। आज मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है, बारिश हो रही है, देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। तो आज आपके लिए मैं बेहतरीन सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, ग्रीन कोफ्ता पुलाव बनाने वाले हैं आज हम, ठीक है ना जी? तो चलिए किचन में चलते हैं और जाकर अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 1 कप तेल है मेरे पास। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, बहुत ही मज़े वाला मौसम हो गया है। अच्छा जी, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड कर दूँगी प्याज मेरे पास 2 अदद स्मॉल साइज़ के, ठीक है? आप इसको हम ब्राउन कर लेंगे। उससे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है बातियाने के फूल है 2 से 3 अदद और 1 दालचीनी की स्टिक है और 3-4 अदद लौंग है, बस ये खड़े मसाले ऐड किए हैं इसमें मैंने। अब इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे प्याज को और इनको मसालों को। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं वो रेसिपी बनाने वाला हूँ जिससे मैंने ये यूट्यूब का सफ़र शुरू किया था। तो अच्छा, इसमें ऐड कर लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच मेरे पास, थोड़ा पुदीना ऐड कर दिया था मैंने। तो मैं आपको बता रही थी कि यूट्यूब का जो सफ़र था वो मैंने इस रेसिपी से शुरू किया था। सबसे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, मेरी पहली वीडियो, उसमें मैंने कोफ्ता बिरयानी रेसिपी अपलोड की थी। अच्छा, ये टमाटर ऐड कर दिए 4-5 अदद मैंने और तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड कर। अब टमाटर की भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से हम। आज भी तकरीबन हमारे 1 साल होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप लोग जिस तरह का मुझे सपोर्ट चाहिए थी ना वो आप लोग नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने इसके अंदर, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करें तो हम लोग और अच्छे तरीके से इसको यानी कि चला सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें वीडियोस को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम लोग और ज़्यादा मजीद अच्छे से अच्छा काम कर सकें, वीडियो आप तक पहुँच सकें। और ये देखें, टमाटर के अंदर मैंने थोड़ा पानी ऐड किया, उसके बाद जो मैंने फ्रोजन कोफ्ते पड़े हुए मेरे पास वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, मटन कोफ्ते मेरे पास, ठीक है? तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए ऐड किए हैं कि जब टमाटर अपना पानी छोड़ेगा जो उसके अंदर जूस निकलेगा ना, वो जो जूस होगा वो क्या ये कोफ्तों के साथ मिलके एक इसका अलग सा एक टेस्ट आएगा। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसको कवर कर दिया था, टमाटर जो अच्छे तरीके से गल चुके हैं और कोफ्ते भी जो हैं हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये देखें मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखिए टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे अभी भी, उनको मैंने पील आउट नहीं किया था, मतलब छिलकों समेत ऐड किया है, इसलिए आपको इनके छिलके नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, मेरे पास पेस्ट है ये हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चों का, ठीक है? सिर्फ इसी से मैं आज ये कोफ्ता पुलाव बना रही हूँ, इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी सिवाय एक नमक के, ठीक है? ना कोई मिर्च जाएगा, ना कोई हल्दी, ना कोई गरम मसाला, सिर्फ मेरे पास ये नमक है, नमक मैंने ऐड किया है और ये हरा मसाला ऐड किया, इससे जो हमारा जो पुलाव है ना बहुत बेहतरीन बनेगा। और जीरा है 1 चम्मच सफ़ेद जीरा, ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है जी? अब इसको ये देखें अच्छी तरह भुनाई हो गई है इसकी, और अब मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ इसकी लुक चेक करने, आप बहुत बस लुक है इस कोफ्ता पुलाव को देखे ना, मुझे वो 1 साल पहले वाली जो कोफ्ता बिरयानी मैंने कोफ्ता पुलाव अपलोड किया था ना, वो मुझे याद आ जाता है जब लोगों जब हम लोगों ने आपके साथ अपना जो सफ़र का आगाज किया था, आप लोगों के साथ अपने सफ़र की शुरुआत की थी, वो इस रेसिपी के साथ मैंने यूट्यूब पर की थी जिस अपने। तो इंशाल्लाह ताला 1 साल होने लगा हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अकॉर्डिंग टू चावल पानी ऐड कर दिया मैंने 2 ग्लास, और अब इसको हम पकने के लिए जो है जी बंद करते हैं कि कवर कर दूंगी ताकि हमारा पानी जो है ना वो पकने लग जाए। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश स्टार्ट होगी बहुत ज़्यादा तेज़, पानी पकने लग गया जी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल है मेरे पास तकरीबन 1/2 kg के करीब, 3 पाव के करीब है, 1/2 kg थोड़े से ज़्यादा है। तो इसको मैंने दोबारा से अब लगा दिया है पकने के लिए, छोड़ दिया है 10 मिनट बाद। देखिए पानी जो है चावलों ने जो पानी ना वो पी लिया है, ठीक है? थोड़ा सा पानी रह गया इसमें और अब मैं इसको लगा दूंगी दम पर तकरीबन 20 मिनट, 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है? मैं एक 2 चम्मच इसमें चला दूँ अच्छे तरीके से ताकि जो तमाम मसाला है ना वो चावलों के साथ अच्छी तरह से रस मिस जाए। तकरीबन पानी जो चावल है उन्होंने सारा पी लिया है, थोड़ा सा रह गया। अब आपको पता है मैं इसी स्टेज पर उनको दम पर लगाती थी हमेशा, जितनी भी आप मेरी रेसिपी देखेंगे। अच्छा, इसको कवर कर दिया मैंने 20 मिनट्स के लिए, आफ्टर 20 मिनट्स बाद इसको हम चेक करते हैं कि ये किस तरह की इसकी लुक आएगी और कैसे बनेगा। 20 मिनट बाद ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कोफ्ता पुलाव है, ग्रीन कोफ्ता पुलाव रेडी हो गया माशाल्लाह। इसमें से बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है, बाहर बारिश ने कमाल कर दिया, अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है कि बारिश हो गई है बाहर और बहुत ही मौसम अच्छा खुशबूदार हो गया, और साथ में हमारा ये जो मज़बूत सा पुलाव वो भी रेडी हो गया। मैं इसको करूँगी डिश आउट,
माशाल्लाह से ये देखें जी, वाओ ज़बरदस्त खुशबू हर तरफ फैल गई पूरे घर में मेरे, और सब लोग पूछ रहे हैं आपने घर में क्या बनाया है। तो इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। आप लोग इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक साल कम्प्लीट होने वाला है, ये हम ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। आप जो है मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रंगीबान, सी यू टुमारो।